गृह मंत्री बाला बच्चन ने आयकर छापों के दौरान दस्तावेज में आए कांग्रेस विधायकों के नाम को लेकर कहा कि यह ध्यान बटाने की कलाकारी है, इससे प्रदेश का भला नहीं होना है, सीएम प्रदेश की जनता का भला करे। किसानों के समर्थन में पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने जिला स्तर पर एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया, जहां पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बाला बच्चन ने सीएम शिवराज सिंह से सवाल पूछे कि कोरोना आज गांव-गांव पहुंच गया है, नोटबंदी और जीएसटी के कारण प्रदेश की हालत खराब है, सरकार क्या कर रही है, प्रदेश में समर्थन मूल्य की खरीदी पर ध्यान देने की जरूरत है, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, लेकिन कालाधन जैसे मुद्दे सामने लाकर सीएम कलाकारी कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है कि प्रदेश के हित के लिए जो जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें, बेरोजगार को रोजगार दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान कानून बिल वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस का समर्थन जारी रहेगा और विरोध करते रहेंगे। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ऐसे जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं और उनकी जो सुन रहा था कि बोलने वालों में इतना जोश है, सभी हमारे वरिष्ठ महानुभावों और सभी हमारे किसान भाइयों और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।